हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के न्यू वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर। जैसा कि तो फॉक्स नेम इलेट वाले वीडियो जो है टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो आज हम इसी वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। इस टाइप के वीडियो आप कैसे बना सकते हैं, तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले वीडियो का डिस्क्रिप्शन में पिक्सल ऐप और कैनवास्ट अप्लीकेशन दोनों का लिंक दे दिया गया है, दोनों अप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे और मैं वहाँ पे बताऊंगा इस टाइप के वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता रहता है। तो आपको सबसे पहले पिक्सल ऐप ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। इसके बाद प्लस का आइकन पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद इस पे डबल क्लिक करना है और इसके बाद जो भी आपको नाम टाइप करना है यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर चुका हूँ, इसके बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद इसे प्रेस करके रखना है, इसके बाद यहाँ तक लेकर आ जाना है। इसके बाद इसे जूम कर लेना है, इसको पहले हम डिलीट कर देते हैं। इसके बाद इसे प्रेस करके रखना है, जूम करके यहाँ पर लेकर आना है। इसे अब इस तरह से आप इसे जूम भी कर सकते हैं। इसके बाद इस पर क्लिक करना है, इसके बाद कलर पे आना है। इसके बाद यहाँ पे आप कलर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद मिक्स कलर चेंज करना है तो मिक्स कलर भी यहाँ से बिल्कुल आसानी से आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रेड कलर रहने देता हूँ। इसके बाद डन करना है। इसके बाद स्टॉकेज पे क्लिक करना है, इसे आपको इनेबल कर देना है। इसके बाद डन करना है। इसके बाद शैडो को ओपन करना है, इसे इनेबल कर देना है। इसके बाद 3G टेक्स्ट पे आना है, इसको आपको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद देख सकते हैं देखने में आपको कितना बेहतरीन लग रहा है। इसके बाद इस ऑप्शन को आपको क्लिक कर देना है तो यहाँ पे देखने में आपको काफ़ी बेहतरीन लगने लगेगा। इसके बाद डबल बॉक्स पे क्लिक करना है, इसके बाद इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद शेयर पर क्लिक करना है और यहाँ पर सेव टू गैलरी कर लेना है। ये इमेज जो है PNG में आपको गैलरी में सेव हो गया होगा। इसके बाद काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 16:9 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद जो हमने डिस्क्रिप्शन से वीडियो डाउनलोड किया है वो वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद हमारा स्टार्टिंग का कुछ पार्ट एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा पार्ट को सबसे पहले ट्रिम टू लेफ्ट करना है। तो मेरा वीडियो जो यहाँ पे हमारा 5.0 से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करना है, कैचिंग निशान पे क्लिक करना है, ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है। वीडियो को आगे की तरफ लेकर आना है और यहाँ पे आपको 4.5 तक रहने देना है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करना है, कैंची के निशान पे क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट कर देना है। इस तरह से वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा रिमूव हो जाएगा। मीडिया पे आना है, यहाँ पे आपको बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और कलर बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। तो वीडियो हमारा कुछ इस तरह के देखने को मिल जाता है। इसके बाद सिंपल आपको करना क्या है, लेयर पे आना है, ओवरले पे आना है। यहाँ पे आपको तो यहाँ पे मैं कुछ ट्रेवल्स का सीन दे देता हूँ। तो सिंपल इस ट्रेवल्स वाले आपको डाउनलोड कर लेना है, आपको ट्रेवल टू पे क्लिक करना है। इसके बाद इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। तो हमारा देख सकते हैं साइज हमारा फुल साइज हो गया हुआ है, तो इसे जूम भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा एंड हो रहा है, तो सिंपल हमें इस पर क्लिक करना है और ट्रिम टू राइट कर देना है एक्स्ट्रा पार्ट को। तो वीडियो हमारा कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। पे हमारा जो सेकेंड वाले वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इस पर क्लिक करके रखना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। पिक्सल ऐप से जो फोटो को मैंने PNG में सेव किया था वो PNG फोटो को सेलेक्ट कर लेना है। ऐसे आपको सही तरह से जूम करके एडजस्ट कर लेना है। इन एनिमेशन में आना है और पॉप पे क्लिक कर देना है। फिर से हमें PNG फोटो के लेयर पर क्लिक करना है, आउट एनिमेशन में आना है और इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। तो हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। इसके बाद क्या करना है, सेटिंग पे आना है, आईडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है। इसके बाद आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। और एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वीडियो को आपको डाउनलोड कर लेना है। सिंपल सी वीडियो को आपको सेलेक्ट करना है, कैंची के निशान पर क्लिक करते हैं, स्ट्रेक्ट आईडियो कर देते हैं। वीडियो में जो भी आईडियो है आपको बाहर आ चुका है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है और इस 3 डॉट्स ऊपर एक डिलीट का ऑप्शन मिल जाता है, इसे आपको डिलीट कर देना है। शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें HD 720p 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है और वीडियो हमारा तैयार हो चुका है। दोस्तों
वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल साइलेंस चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए।